मैं आपसे एक और प्रश्न करूं, कोई पूछे माँ बाप किसके साथ रहते हैं तो क्या कहते हो आप? मेरे साथ, बड़े भाई के साथ। मुझे ये उत्तर दीजिए, आप माँ बाप के साथ रहते हो कि माँ बाप आपके साथ रहते हैं? अरे तुम्हारा पुण्य है तो तुमने 50 लाख का बंगला बनवाया, वो पैसे तुम्हारे थे, बंगला तुम्हारा है, माँ को जन्म तुमने नहीं दिया। कहना तो ऐसा कह सकते हो कि बंगला भले मैंने बनाया लेकिन मैं किसके साथ रहता हूँ? बोलने के समय भी इतना उपयोग नहीं रह सकते। माँ को कह दिया, माँ इस घर के अंदर तुम नहीं रह सकते। माँ ने कहा ठीक, चले जाओ, लेकिन जाने के पहले एक बात कर दूं, तेरी आंखों का ध्यान रखना। क्यों माँ, क्या हुआ? पास में बहू खड़ी है। बेटा तेरी आंखों का ध्यान रखना, तेरी आंख बहुत वीक है। कैसे? आज तक तो मैंने ध्यान रखा था, अब मैं चली जाऊंगी, अब तुझे ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन माँ मुझे तो पता भी नहीं चला ऐसा क्या हुआ था। तू जब छोटा था तेरी दृष्टि चली गई, डॉक्टर को जब बताया गया, डॉक्टर ने कहा किसी घर वालों की आंख यदि इनको दी जाए तो शूट हो जाएगी। तब मैंने मेरी आंख तुझे दे दी थी, लेकिन वो मेरी थी इसलिए तुझे संभालना पड़ता था। आज तक तो मैं संभालता था, अब तू संभालना। बेटा फपक फपक कर रो पड़ा, पति को कह दिया तुझे जाना हो तो जा, माँ तो इस घर में। बेटे अच्छे भी होते। एक बेटा ने कह दिया था माँ को, माँ यदि तेरी आंखों कुछ हो जाए तो मैं जयपुर के डॉक्टर को बताऊंगा और अच्छी तरह से तेरी सर्जरी वगैरह करा दूंगा। दूसरे ने कहा यदि होगा तो मैं तुझे यूएसए लेके जाऊंगा, वहां पे तेरी आंख की सर्जरी करा के तेरी रोशनी वापस ला दूंगा। दोनों बेटे को आशीर्वाद देते हुए माँ ने कहा सुखी रहो, तुम्हारी भावना जान करके मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन तुम्हारी आंखों कभी कुछ हो जाए ना तो मैं मेरी आंख आपको दे दूंगी, यह माँ है। स्वास्थ्य का बलिदान, खुद बीमार होकर के भी अपने बेटे को वह तैयार करेगी। और नंबर 5, पांचवा बलिदान, अवसर आता है तो माँ खुद के स्वास्थ्य का भी बलिदान देती है। सुना है आपने लंदन की राजकुमारी एलिस, विक्टोरिया की वह पौत्री थी, बड़ी हुई, शादी हुई, बेटा हुआ, 5 साल के बाद अचानक बेटा बीमार पड़ गया। महाराजा के घर का बेटा है, हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, डॉक्टरों ने चालू कर दी ट्रीटमेंट, लेकिन सबको कहा किसी को आना नहीं। खुद मां को भी आने नहीं मिलेगा, रोग इतने भारी है, एक दिन, दो दिन, 5 दिन चले गए, 7वां दिन था, मां से नहीं रहा गया। अपने बेटे को देखने को जब आई, कांच की बारी में से देखती है, बेटा भी मां को देखता है, बीच में अंतर है। जैसे ही मां के ऊपर नजर गिरी तो बेटा ने कहा मां, मां, ओ मां, प्लीज कम ऑन, व्हाई डोंट यू किस मी, तू अंदर आ, अपने वात्सल्य की गंगा में मुझे स्नान करा। इतने सुनने के बाद कोई मां रह सकती है? मां से नहीं रहा गया, मां ने बारी का कांच तोड़ दिया, अंदर गई, अपने बेटे को गले लगा दिया। डॉक्टर नर्स को पता चल गया, दौड़ते सब आ गए, दोनों को जुदा किया, लेकिन उसके पहले बच्चे का रोग श्वास के माध्यम से मां के शरीर में चला गया। या बेटे का कमरा या मां का कमरा। बड़ी मेहनत के बाद जब मां ने आंख खोली, डॉक्टर ने पूछा, हमने आपसे मना की थी कि आप अंदर मत जाना, क्यों गए? अब सुनना ध्यान से मां का क्या उत्तर होता है। मां ने इतना ही कहा, मैं गई क्योंकि बिकॉज आई वॉज मदर, क्योंकि मैं उसकी मां। को कभी पूछा नहीं जाता कि तू क्यों गई, वो मां है, वो जाएगी। बताइए जरा, इन छोटे बच्चे को पूछता हूं, मदर की स्पेलिंग क्या? आ,
मदर की स्पेलिंग है एम ओ पी एच ई आर, अब उसमें से एम यदि निकल जाए, समझ गए, जिस घर में माँ नहीं है सब कुछ है तो भी वह सब अधर है, और एक माँ है बाकी कुछ नहीं है तो समझ लेना सब कुछ।